वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th, पार्ट नंबर 31, बिजनेस स्टडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। पहले हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से लिमिटेशंस यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा मेरिट्स। पहले बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट बताया गया इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा मेरिट बता रखा है वोटिंग स्टेटस में इक्वलिटी, यानी वन पर्सन वन मैन वन वोट गवर्नस करता है। वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इरेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मेंबर के द्वारा उतना यहाँ पे इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस रहता है। ईच मेंबर इक्वल वोटिंग स्टेटस यहाँ कंसिडर करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो मेंबर्स की रहती है वो लिमिटेड रहती है। हमने फीचर्स में ही बात करी थी। इस वीडियो में बताया गया है कि लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेड है, एक्सटेंड टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है स्टेबल एक्जिस्टेंस, यानी कि डेथ, बैंकक्रप्टी, इंसेंटी या किसी या कोई और पॉइंट जो होंगे जो फर्म को वाइंडिंग अप करने में अफेक्ट करते हैं, डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं करेंगे। ये सारे जो पॉइंट है मेरिट्स, सबसे बड़ा मेरिट है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का, स्टेबल एक्जिस्टेंस रहती है यहाँ पे। डेथ, बैंकक्रप्टी, इंसेनिटी कभी भी अफेक्ट नहीं करता। इकोनॉमी इन ऑपरेशन फोर्थ पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, जो भी वर्क करा जाएगा वो कस्टमर के लिए और जो प्रोड्यूसर होता है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए ज़्यादातर काम करा जाता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करा जाता है। तो यहाँ पे रिस्क कम रहता है, बैड डेट यहाँ पे लो रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रखा है इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी किफ़ायत रहता है, ये थोड़ा चीपेस्ट वे है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जैम्पलीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्स सब्सिडी, लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। तीनों बातें बता रखी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, डेमोक्रेसी का आइडिया अच्छा मिलता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम टैक्स सब्सिडी और कम इंटरेस्ट रेट और लोन, ये ज़्यादातर रहता है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन बता रहा है, फॉर्मेशन करना ईजी है, कैन बी स्टार्टेड मिनिमम 10 मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना कंपलसरी है, बाकी 10 मेंबर्स से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, और लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कंसिडर करी जाती है। तो कॉपरेट सोसाइटी के अंदर ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है जो इसके क्या बताते हैं मेरिट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेरिट्स के बारे में एग्जाम्पलीफाई करते हैं, मेरिट्स को डिस्कस करा गया है। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ लिमिटेड रहते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल, जितना कंट्रीब्यूट करा जाएगा कैपिटल, जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा कैपिटल्स का ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस, दैट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ जितने पर्सनस आ गए उनके अकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, तो रिसोर्सेज यहाँ लिमिटेड ही रहते हैं। रिसोर्सेज आपको लार्ज वैरायटी में नहीं मिल पाते अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनस। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट बता रखा है कि मेंबर्स जो सर्विसेज देते हैं या वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, वो हर कोई स्किलफुल पर्सन नहीं होता, हर कोई प्रोफेशनल पर्सन यहाँ पे नहीं होता। अपनी हॉनरेरी सर्विस देते हैं, वॉलंटरी सर्विस देते हैं, अपनी इच्छा सर्विस देते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिवली नहीं रहता। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि जो जो पर्सन यहाँ पे मेंबर्स होंगे वॉलंटरी मेंबर, वो हर कोई यहाँ पे हर पर्सन कोई अपने प्रोफेशनल स्किल नहीं होगी उसके पास, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल स्किल हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि प्रोफेशनल स्किल नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, तो दोनों केस रहता है। और ज़्यादातर यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल के बिना ही यहाँ पे पर्सन्स मेंबरशिप में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि मेंबरशिप मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है। फिफ्थ थर्ड पॉइंट बताया गया लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, कम से कम 10 मेंबर्स से तो 10 मेंबर्स से तो स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है इसका, और 10 मेंबर्स एडल्ट मेंबर कम से कम इसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन करना, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की सीक्रेसी मेंटेन करना, वर्क की सीक्रेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट दी ऑपरेशंस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होगी, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या डिफिकल्ट प्रोसेस माना गया है। फोर्थ पॉइंट बताया गवर्नमेंट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है तो हमारे यहाँ पे
इंडिविजुअल का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कम रहता है, गवर्नमेंट की प्रिविलेजेस को मानना पड़ता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, लाइक ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को चेक करना, सबमिशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को सबमिशन करना। तो ये दो चार पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें जिसमें इम्पोर्टेंट बताया गया कि गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ पे रहता है। फिफ्थ पॉइंट जो हम बात करेंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बता रखा है, जितने पर्सनल इंटरेस्ट है, जितने कंसेंट है, जितने व्यू पॉइंट है, या जितने भी पर्सपेक्टिव डोमिनेट करते हैं मेंबर्स के, वो सारे डिफरेंस आते हैं, अलग अलग आते हैं ओपिनियन, डिफरेंट मेंबर, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट व्यू पॉइंट, डेट रिजल्ट पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव। यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस कभी कभी दी जाती है अको रादर देन जनरल इंटरेस्ट, और यहाँ पे वेलफेयर मोटिव से हट जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वेलफेयर मोटिव करना, बेनिफिट करना जो जो मेंबर्स हैं उनका और सोसाइटी का, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कम हो जाती है, टेक अ बैक सीट, बैक सीट यानी कि पीछे की तरफ हो जाती है और आगे की तरफ पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो इफ़ पर्सनल गेन इज़ गिवन प्रेफरेंस टू बाय सर्टेन मेंबर्स, पर्सनल गेन को यहाँ पे कंसिडर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको, इस कारण से यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट या वेलफेयर इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये एक लिमिटेशन है कि ओपिनियन के डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ओपिनियन कभी कभी मैच नहीं होता और पीपल्स का, और इसके कारण जनरल इंटरेस्ट जो वेलफेयर इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो अफेक्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक लिमिटेशन माना गया है कि पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, खुद के इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट के ऊपर काम ना करना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैड लक की तरह साबित हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में बात करी लिमिटेशंस एंड मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू।